असलम शाह को शाम बात करेंगे। मैं क्या एपिसोड 11 के प्रमो के बारे में आज के एपिसोड में आपने देखा कश्मान अपने भाई को कहती है, उसके घर में आज होती है, वही उसको लेने भी जाता है, लेकिन नहीं उसका बाप जाता है तो उसको कहता है कि इसके साथ चले जाओ। और दूसरी तरफ उससे कहता है सिर्फ 2 मिनट लगते हैं बीवी से इंसान होने में, आप यहाँ से चले जाओ। और दूसरे वो आयरा का पीछा नहीं छोड़ता, बार बार उसे फोन करता है, मिलने की कोशिश करता है, उसे कहता है तुम्हारी शादी हो चुकी है, मैं उससे बात ना करूँगी। उससे उसका बाप कहता है कि मैं तुम्हें उसको ला के दूंगा। और दूसरे वो घर के बाहर होता है तो उसका भाई उसे समझाता है, वहाँ से वो चला जाता है। उससे उसका इंतजार कर रही थी, उसको कहते हैं सब तमाशा करने की जरूरत नहीं है, मैं उसको भाई को उठवा लेता हूँ। जब वो आयरा फोन करती है उसके बाप को तो कहती है कि तुमने भी तो ये सब कुछ किया, तुमने मेरा बेटा मुझसे टूट कर दिया है। दूसरी तरफ वो आती है और उसे कहती है कि मैं वेट कर रही हूँ, ये सब कुछ मत करना। और कश्माना को भी कहती है कि अपने भाई को समझाना, जो उसने बरात में किया वो वलीमे पे ना करें। आयरा सारी बात जैद को बता देती है और वहीं पे वलीमे पे सब उसका इंतजार कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ वो अपने भाई से कहती है कि अगर उसको जाके बोलूँ कि अगर वो नहीं आया तो तुम्हें यहीं छोड़ जाएगा और मुझे साथ लेके जाएगा। वो सब सब फोन करते हैं लेकिन वो आने के लिए तैयार होता ही नहीं है। तो सिर्फ कश्माना भी काफ़ी परेशान होती है और वहीं वो अपने घर से कहते हैं किसी के डिवोर्स पेपर्स बनवाने हैं। कश्माना और परेशान हो जाती है, मैंने वाली एपिसोड में देखी, उसे कहता है मुझे किसी की बकबक पसंद नहीं है, काफ़ी उससे बदतमीजी से बात करता है। जैसे उसके भाई को काफ़ी मार के दरवाजे के आगे फेंक दिया जाता है और वो आयरा से आया था उसके सामने कन्फेस करते हैं उसने झूठ बोला था, तो वो सच बताती है और साथ कहता है कि दर कहता तुमने ये सब कुछ क्यों किया, तो कहती है हाँ मैं झूठी हूँ। उसके बाप के साथ बात करती है तो उससे कहता है कि ये तुम्हारा घर है, तुम बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हो। काफ़ी परेशान होते हैं, अब देखना ये है क्या वो बशा अपना घर बचा पाएगी इस पर या फिर यही होगा जो कि मोहिब और इसके साथ वहाँ भी अपमन के जरिए जुटेगा।